टाइप्स ऑफ कंपनीज, काइंड ऑफ कंपनीज, वन पर्सन कंपनी। तो उन्होंने कहा कि पहले क्या होता था कि मिनिमम टू चाहिए प्राइवेट लिमिटेड के लिए, मिनिमम सेवन चाहिए पब्लिक लिमिटेड के लिए। तो मतलब इतने मिनिमम डायरेक्टर्स होने चाहिए, इतने मिनिमम ओनर्स होने चाहिए। तो यार मेरे को किसी से भरोसा, किसी पे भरोसा नहीं है, मेरा भरोसा उठ चुका है इस दुनिया से। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आपके लिए हम एक नई कंपनी, नई टाइप ऑफ कंपनी क्रिएट करते हैं, वन पर्सन कंपनी। तो वन पर्सन कंपनी अभी लेटेस्ट ही आई है, पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी। वन पर्सन ओपीसी सेक्शन 2 सब सेक्शन 62 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइंस वन पर्सन कंपनी एज वन पर्सन कंपनी मींस अ कंपनी व्हिच हैज ओनली वन पर्सन एज अ मेंबर। तो ऊपर की एक्सेप्शन हो गई ना, ऊपर तो सर लिखा था कि मिनिमम टू प्राइवेट के लिए, मिनिमम सेवन पब्लिक के लिए। कह रहे हाँ वो तो अभी भी वही है, वहां पे हमने बताया नहीं कि वन पर्सन कंपनी भी नाम की कोई चीज होती है, तो वो एक अलग कैटेगरी है। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो वही पॉइंट यूज करेंगे जो ऊपर है, बट यस वन पर्सन कंपनी एग्जिस्ट। रूल 3 ऑफ द कंपनीज इनकॉर्पोरेशन फर्दर प्रिस्क्राइब्स ओनली अ नेचुरल पर्सन बीइंग एन इंडियन सिटीजन एंड अ रेजिडेंट इन इंडिया कैन फॉर्म वन पर्सन कंपनी और कैन बी अ नॉमिनी फॉर द सोल मेंबर ऑफ वन पर्सन कंपनी। इंडियन होना चाहिए, रेजिडेंट होना चाहिए, इंसान होना चाहिए, कोई कंपनी वन पर्सन कंपनी नहीं बन सकती। तो नेचुरल पर्सन होना जरूरी है, एक तो कम से कम। वन पर्सन कैन फॉर्म ओनली वन वन पर्सन कंपनी। तो ये तो सब मतलब नॉलेज बेस्ड चीजें हैं कि एक बंदा ना एक ही वन पर्सन कंपनी बना सकता है। ऐसे नहीं कि आप चार वन पर्सन कंपनी बना के बैठे हो, आपको वन पर्सन कंपनी बनानी है बना लो, एक अलाउड है। क्या फायदा, आप कंपनी क्यों बनाना चाहोगे, इतना क्यों तड़प रहे हो? अकेले थे तो सोल प्रोप्राइटरशिप बना लेते, अकेले ही थे, ज्यादा मेंबर्स का तो पर्पस होता है ज्यादा पैसा रेज कर पाए, यस और नो? तो सोल प्रोप्राइटरशिप क्यों नहीं, आप वन पर्सन कंपनी क्यों बनाना चाहोगे? वेरी गुड, सारा खेल है लायबिलिटी का, लिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है ना? बट इसमें भी अगर प्रूव हो जाए कि आपने कुछ झोल करा है, फिर अनलिमिटेड हो जाती है लायबिलिटीज। इट कैन नॉट बी फॉर्म फॉर चैरिटेबल पर्पस, कंपनीज कैन नॉट बी फॉर्म फॉर चैरिटेबल पर्पस। इट कैनॉट कैरी आउट एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज। इट्स पेड अप शेयर कैपिटल इज नॉट मोर देन 50 लाख, छोटे लोगों के लिए अलाउड है, ज्यादा बड़ा बिजनेस आप नहीं कर सकते वन पर्सन कंपनी में, शेयर कैपिटल की बात हो रही है। इट्स एवरेज एनुअल टर्न ओवर ऑफ लास्ट 3 ईयर्स, एवरेज ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स शुड नॉट एक्सीड 2 करोड़। तो वन पर्सन कंपनी आप क्रिएट कर सकते हो, ओके? कोई डाउट? अ वन पर्सन कंपनी शुड हैव एटलीस्ट वन डायरेक्टर बट नॉट मोर देन 15 डायरेक्टर्स। तो इम्पोर्टेंट हो गया, अब आपकी मिनिमम लिमिट इसकी क्या हो गई, वन, मैक्सिमम हो गई 15। प्राइवेट का मिनिमम टू, मैक्सिमम 200 एक्सक्लूडिंग डायरेक्टर एम्प्लॉयज। नहीं, वन पर्सन कंपनी की मिनिमम रिक्वायरमेंट है, वन पर्सन कंपनी ही कहलाएगी। आप चाहो तो आप उसमें ज्यादा, आपने शुरू करा एक से, ठीक है ना, अब आपने और लोग ऐड कर दिए तो वो वन पर्सन कंपनी की कैटेगरी में ही रहेगा, बट आपने 15 से ज्यादा कर दिए, कह रहे भाई साहब अब ये वन पर्सन कंपनी नहीं रही, अब इसके ऊपर डिफरेंट रूल्स एप्लीकेबल होंगे। जैसे ही आपकी कैपिटल 50 लाख से एक्सीड कर गई तो वन पर्सन कंपनी नहीं हो सकती। इनमें से कोई भी क्राइटेरिया अगर फुलफिल नहीं हुआ तो वन पर्सन कंपनी का मतलब ये नहीं कि एक से ज्यादा नहीं हो सकता, इसका मतलब ये कि एक भी हो सकता है। समझ आ गई बात? लेकिन जैसे ही 15 से ज्यादा एक्सीड हो गए तो यू कैन नॉट कंटिन्यू एज अ वन पर्सन कंपनी, आपके ऊपर जो एग्जेम्पशन थी वो अप्लाई नहीं होगी। आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा क्रॉस हो गया एवरेज ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स, तो आप वन पर्सन कंपनी नहीं कर सकते। वन पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी इज वन इन विच मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल में बी प्रिस्क्राइब, ठीक है, वो तो अपने हम डिसाइड करेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शेयर्स आर नॉट ट्रांसफरेबल, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर्स ट्रांसफरेबल नहीं होते एक्सेप्ट इन केस ऑफ वन पर्सन कंपनी लिमिट्स द नंबर। तो इसमें क्या है, टू और मैक्सिमम 50, टू तो टू और मोर, व्हेन वेयर शेयर्स आर हेल्ड बाय टू और मोर पर्सन जॉइंटली दे शैल बी ट्रीटेड एज अ सिंगल मेंबर। आप दोनों ने मिलके पैसे डाले हुए हैं तो आपको एक मेंबर माना जाएगा। बात समझ आ रही है कि शेयर है आपके पास 50% पैसा आपका, 50% या तो आपकी अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है ना, यू विल बी रिप्रेजेंटेड एज अ सिंगल मेंबर। पॉइंट, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मिनिमम टू मैक्सिमम 200, इतना
इतनी सी बात पता होना चाहिए. आर द शेयर्स ट्रांसफरेबल? नो. सिंपल. कंपनीज आर नॉट रिक्वायर्ड टू हैव मिनिमम पेड अप कैपिटल एट प्रेजेंट. ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि मिनिमम कैपिटल इतनी होनी चाहिए. 1% के लिए मैक्सिमम है कि 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. आप 2 लाख से बिजनेस शुरू करो, आपकी मर्जी. ठीक है ना, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि नहीं नहीं कैसी बात, कम से कम 50 लाख तो लाओ. ऐसा कुछ भी नहीं. नो मिनिमम रिस्ट्रिक्शन ऑन द मनी शेयर कैपिटल. क्या होता है ये शेयर कैपिटल? आएगा मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर्स इन द बिजनेस. अभी जनरल आइडिया दे रहे हो. कैपिटल होता था, मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस. प्रोप्राइटरशिप में उसको कैपिटल बोलते हैं, पार्टनरशिप में भी उसको कैपिटल बोलते हैं, कंपनीज में उसको शेयर कैपिटल बोलते हैं. ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. कंपनीज एक्ट प्रोहिबिट्स रिस्ट्रिक्ट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर शेयर्स ऑफ द कंपनी, सिक्योरिटीज, शेयर्स ऑफ द कंपनी. पब्लिक लिमिटेड कंपनी, वो इन्वाइट कर सकते हैं पब्लिक को, प्रोस्पेक्टस इश्यू करते हैं कि आओ भाइयों हमारे शेयर्स खरीदो. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन नॉट इन्वाइट पब्लिक. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन नॉट इन्वाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर शेयर्स ऑफ द कंपनी. द प्राइवेट कंपनी, अ प्राइवेट कंपनी शुड हैव एटलीस्ट टू डायरेक्टर्स. यहां डायरेक्टर्स की बात हो रही है, मेंबर्स. मेंबर्स और डायरेक्टर्स में फर्क होता है, ध्यान से सुनेंगे. डायरेक्टर्स मैनेजमेंट में होते हैं, मेंबर्स ओनर्स होते हैं. मेंबर्स ओनर्स होते हैं. डायरेक्टर्स मैनेजमेंट, मेंबर्स ओनर्स. डायरेक्टर्स की बात हुई है, वहां पे बात हुई है डायरेक्टर्स की. शुड हैव एटलीस्ट वन डायरेक्टर बट नॉट मोर देन 15 डायरेक्टर्स. डायरेक्टर्स और मैनेज अलग बात हो गई, ध्यान से देखना एक मिनट. डायरेक्टर्स और मेंबर्स. मेंबर्स किसको बोलते हैं? ओनर्स को. किसको बोलते हैं? शेयर होल्डर्स को. लिख के करेंगे ओपीसी, प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड. कंफ्यूजन ही दूर हो जाएगी ना. 1 to 15. उसके डायरेक्टर्स की बात तो नहीं आई. डायरेक्टर्स इट मस्ट हैव एटलीस्ट टू. हाँ, ये डायरेक्टर्स अलग है, मेंबर्स अलग है. यहाँ पे क्या है? 3 to 15. ओनर्स, सिंगल ओनर. यहाँ ओनर्स की बात हो रही है. यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड में 2 to 200, 7 to infinity. ठीक है ना, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं. लिख के करेंगे डायरेक्टर्स मैनेजमेंट है. डायरेक्टर्स क्या है? मैनेजमेंट, जो कंपनी चला रहे हैं. कंपनी ओनर्स नहीं चलाते, ठीक है ना, वो डायरेक्टर्स अपॉइंट करते. तो 1% कंपनी में वो खुद डायरेक्टर हो सकता है, बट बाकियों में डायरेक्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं. इसलिए रीड वंस, क्योंकि प्राइवेट कंपनी शुड हैव एटलीस्ट 2 बट नॉट मोर देन 15. द नेम प्राइवेट, इट एंड्स विद प्राइवेट. तो जो भी कंपनी आपने खोली एंड में होना चाहिए प्राइवेट लिमिटेड. पीवीटी एलटीडी तो मतलब वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसमें पब्लिक इन्वेस्ट नहीं कर सकती. कोई डाउट? 1% कंपनी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी. अ पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी. अ पब्लिक कंपनी हैज अ मिनिमम पेड अप कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब. प्रिस्क्राइब कहाँ पे? प्रिस्क्राइब वो आपस में, मतलब एक होता ना कि एक तो कंपनी रूल्स, जैसे कंपनीज एक्ट होती है वैसे होते हैं कंपनी रूल्स. एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसमें कैपिटल क्लॉज होता है, कैपिटल सब्सक्रिप्शन क्लॉज. तो उसमें डिसाइड करते हैं कि हमारी मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितनी होगी. पढ़ेंगे अभी अब सम कि ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है. तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए अब मिनिमम पेड अप कैपिटल में भी प्रिस्क्राइब. यहाँ पे तक इसमें मिनिमम पेड अप कैपिटल होना जरूरी नहीं है प्राइवेट कंपनी के केस में. पब्लिक में भी प्रिस्क्राइब. अ पब्लिक कंपनी इज अ प्राइवेट कंपनी बीइंग अ सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी. क्या पब्लिक कंपनी कौन सी है?
कह रहा है एनी कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी इज अ पब्लिक कंपनी, ये क्लियर है. एनी कंपनी विच हैज अ मिनिमम पेड अप कैपिटल विच मे बी प्रिस्क्राइब. अ पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच इज अ प्राइवेट कंपनी बींग अ सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी. मतलब कोई कंपनी है जो पब्लिक पब्लिक लिमिटेड है, प्राइवेट नहीं है. कोई कंपनी है जो पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड नहीं है. फॉर एग्जाम्पल टाटा मोटर्स, उन्होंने अगर अपनी कोई सब्सिडरी खोली, उन्होंने अगर अपनी कोई सब्सिडरी खोली कि जिसका काम है सिर्फ और सिर्फ टायर बनाना, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने एक अलग से सब्सिडरी खोली और वो प्राइवेट कंपनी थी जो सब्सिडरी खोली, ना अगर किसी पब्लिक कंपनी ने कोई सब्सिडरी खोली है ना, दैट विल बी डीम्ड टू बी अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी. तो पब्लिक कंपनी इज अ प्राइवेट कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी. तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी अगर कोई अपनी सब्सिडरी ब्रांच भी खोल देती है, दैट विल बी डीम्ड टू बी अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी. उसके ऊपर वो सारे रूल्स एप्लीकेबल होंगे जो किसी भी पब्लिक लिमिटेड. पब्लिक लिमिटेड में रूल्स क्या, बेसिकली डिस्क्लोजर्स कहीं ज्यादा होते हैं क्योंकि पब्लिक का पैसा है, तो रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, उनकी रिपोर्टिंग काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है. उनको हर 3 महीने हर क्वार्टर पे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लिस्ट करनी, अपनी शेयर न्यूज़पेपर में निकालनी पड़ती है, साइट पे अपलोड करनी होती है, शेयर करनी पड़ती है. अच्छा समझ आई. अ पब्लिक कंपनी मस्ट हैव एटलीस्ट 7 मेंबर्स. मेंबर्स ओनर्स को बोल रहे हैं, सो डायरेक्टर्स और मेंबर्स दो अलग कहानी है. There is no restriction on the maximum number of members. A public limited company should have at least 3 directors. So directors 3 to 15. Then public limited ke end mein aata hai limited. Reliance Industries Limited. Tata Motors Limited. Kisi ke aa raha hai private limited, to matlab wo public limited company nahi hai. A public company can raise its capital by issue of shares to public. So they have an option to issue shares to the public. Private limited company ke paas option nahi hai. A company, private, public, may be limited liability company. Normal scenario mein limited liability hote. It may be exceptionally unlimited liability company or company limited by guarantee. Kuch mention nahi hai. To kya hoti hai? Limited. Limited liability company, a company having the liability of its members limited by the memorandum to the amount, if any, unpaid on shares. So aapke liability will be restricted to the amount of shares held by you. Wo bhi bhai sahab, aap itne shares hai utne paise de do, de diye bas, usse zyada aapko kuch nahi karna. Unlimited liability company to aapke private assets bhi use kare ja sakte hain. Debts of the company shall be met from private property of the members in case of any default by the company. Limited by guarantee, it is a company having the liability of its members limited by the memorandum of such amount as the members may be they have decided earlier, which they have already undertaken. मतलब आपने decide किया कि चलो मेरी तरफ से guarantee है 2 crore की. आपके पास shares 10 lakh के थे, 20 lakh के थे, आपने specific guarantee दे दी ना कि 2 crore की guarantee मैं लेता, कितना कोई नुकसान होगा तो मैं भरूंगा. तो अगर ले ली guarantee तो वो limited by guarantee, आपने amount भी दे दिया ना. एक होती है लिमिटेड बाय शेयर्स, तो होते नॉर्मल लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी. एक होती है अनलिमिटेड, तो अनलिमिटेड कब हो गई, अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऐसा मेंशन था. लिमिटेड बाय गारंटी, अगर आपने ऐसा डिसाइड कर लिया था कि हाँ एक फिक्स अमाउंट हमने डिसाइड कर लिया तो. ओके, कोई डाउट? तो ऊपर जो कहानी है जस्ट रीड वंस, इंपॉर्टेंट है. बस ऊपर की समरी है, पढ़ेंगे अभी पढ़ेंगे सब वर्ड बाय वर्ड. प्लीज यार, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, तो अगर पढ़ा तो एक चीज वो क्लियर हो गई ना, ओनर्स मेंबर्स. वरना क्या होता ना कि अगर ऊपर ऊपर से पढ़ोगे तो एग्जाम में डायरेक्टर्स आता, मेंबर्स आता, आपको फर्क ही नहीं पता चलता यार उसकी क्या लिमिट थी. मेंबर्स और डायरेक्टर्स की मर्ज हो सकती है कि नहीं हो सकती, कंफ्यूज हो सकते हो. लेकिन अगर ऐसे कर लो, लिख के याद कर लो, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है. तो प्लीज मिनिमम पेड अप कैपिटल होना किसी भी कंपनी के लिए मैंडेटरी नहीं है. मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्राइटेरिया, वो आएगा एक अलग चीज होता है, अभी आ जाएगा बहुत जल्दी. मिनिमम सब्सक्रिप्शन
एक अलग चीज है, मिनिमम पेड अप कैपिटल की इनिशियल इन्वेस्टमेंट वो एक अलग चीज है, वो कह रहे हैं वो किसी के लिए मैंडेटरी नहीं है। इट मे बी प्रिस्क्राइब, मे बी का मतलब क्या होता है, यू हैव एन ऑप्शन, इट इज नॉट मैंडेटरी, बट मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज मैंडेटरी। मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्राइटेरिया होता है, वो क्लॉज होता है, वो आ जाएगा अभी अलग है। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन और मिनिमम पेड अप कैपिटल एक अलग चीज है। अभी मैं उस पर इतनी ज्यादा बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि आपको पेड अप कैपिटल का ही मतलब नहीं पता। जब मैं आपको बताऊंगा कि शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है, पेड अप कैपिटल क्या होता है, कॉल्ड अप कैपिटल क्या होता है, तब वो चीजें अच्छे से समझ आएंगी। तो अभी तो हमें बस डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज का मीनिंग, जनरल इंट्रोडक्शन, बट जो टर्म समझ नहीं आए मार्क एंड डिस्कस।